हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू पी एनाइजर सो टुडे वी विल डिस्कस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हम कल डिस्कस करेंगे बजट 2022-23 सेंट्रल फाइनेंस के आपको सारे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं लेकिन यहाँ पर कुछ टारगेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिजिट नॉमन जी डी पी लाख करोड़ दो हज़ार बाईस लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा लेकिन यहाँ पर जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है वो यहाँ पर डिक्रीज होंगे फ्रॉम वन लाख करोड़ टू जीरो लाख करोड़ फिजिकल डेफिसिट 6.9 पॉइंट नाइन परसेंट दो हज़ार बाईस बाईस तेईस में 6.4 पॉइंट फोर परसेंट रेवे डेफिसट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स यूज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वस टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स यूज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है अगर आप फिसकल डेफिसिट में से माइनस कर दोगे वो पैसा जो कि यूज किया गया है इंटरेस्ट देने में फॉर प्रीवियस लोन्स तो यहां पर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स टैक्स टू जी डी पो में टेन परसेंट है और दो हजार में होगा टेन परसेंट तो ये हमने कुछ नंबर देख लिए हैं अब अमृतकाल क्या है तो बेसिकली अभी हम सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ़ इंडिपेंडेंस में जब हम यहाँ पर हंड्रेथ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर करेंगे तो ये जो बीच का पच्चीस साल का टाइम पीरियड है इसको यहाँ पर अमृतकाल रेफर किया गया है अमृतकाल के क्या गोल्स होंगे तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस करना है और पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउड इन हो तो वर्चुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पीएम गतिशक्ति चार प्रायोरिटीज़ है पहला पीएम गतिशक्ति दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट तीसरा क्लाइमेट एक्शन एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो फोर प्रायोरिटीज़ आपको याद होनी चाहिए पीएम गतिशक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो इंडिया इज एट सेवेंटी फाइव ईयरस ऑफ इंडिपेंडेंस और हम यहाँ पर अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं क्योंकि हम पच्चीस साल के बाद होंगे इंडिया एट द डेट हंड्रेड जब यहाँ पर हम हंड्रेड ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे कुछ गोल्स हैं अमृतकाल के जो कि हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लें कि क्या गोल्स हैं हमारे तो कॉम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस विद द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल सेकंड हमें यहाँ पर डिजिटल इकॉमीमी को प्रोमोट करना है क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करना है यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है क्राउड एन हो तो रिलाइंग ऑन वर्चुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्पिंग टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काल के जो ट्वेंटी फाइव ईयर लॉन्ग रोड है उसकी फोर प्रायरिटीज़ हैं जो चार प्रायोरिटीज़ है वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी इनहैसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो पीएम गति शक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएम गतिशक्ति हम डिस्कस करेंगे तो पीएम गतिशक्ति किसके लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए है पीएम गतिशक्ति इससे पहला था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि 110 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था लेकिन एनआईपी को पीएम गतिशक्ति के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है तो गतिशक्ति स्कीम विल सब्ज्यूम द रुपीज़ वन वन जीरो लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि दो में लॉन्च की गई थी अब इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है थर्टीन है तो इसको कम करने की जरूरत है जिसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो बिसाइड्स कटिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट द स्कीम इज ऑल्सो एम्ड एट इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी और यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है पोर्ट्स में वो यहाँ पर रिड्यूस करना है ग्यारह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और दो डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे डिफेंस कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश इट विल हेल्प इन फुलफिलिंग द एबिशियस टारगेट सेट बाई द गवर्नमेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग द लेथ ऑफ द नेशनल हाईवे तो यहाँ पर नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है वो बढ़ाकर दो लाख कलमीटर तक करना है इंटीग्रेटेडेडेडेडेड अप्रोच होनी चाहिए इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, का काम होता था तो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्रीज जो थी वो यहाँ पर सिलॉज में काम करती थी लेकिन अब हमें यह समझ आ रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो जो ये जो पी एम गतिशक्ति है इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करती है जिसमें जो सोलह इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है वो यहाँ पर साथ में आकर काम करेंगी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म आउटकम्स क्या है हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सके इंडिया बिजनेस कैपिटल बन सके वर्ल्ड का नीड फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बेसिकली बहुत बड़ा गैप होता है बिटवीन मैक्रो प्लानिंग तो मैक्रो प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है तो जिसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात की गई है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी थर्टीन परसेंट जी डी पी है जो कि बहुत हायर है देन डेवलप्ड कंट्रीज तो ये हमें कम करना है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिव दिख सकें तो ड्यू टू दिस हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट द कॉम्पिटिनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटली रिड्यूज तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटेटिव बनाना है जिसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तभी कम हो सकती है जब यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो यहाँ पर जो सेकंड प्रायरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो रुपीज टू पॉइंट थ्री सेवन लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट्स यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाएगा फॉर प्रोकरमेंट ऑफ वीट एंड नॉट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री तो यहाँ पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा और पहला फोकस कहाँ पर होगा जो गंगा के अलॉन्ग कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर पहला फोकस होगा तो इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड एंड फाइव किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलॉन्ग रिवर गंगा जो नाबार्ड है वो यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल ताकि यहाँ पर स्टार्टअप्स को फाइनेंस किया जा सके फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज तो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज के लिए जो नाबार्ड है वो यहाँ पर फंड को फैसिलिटेट करेगा किसान ड्रोन्स इसको क्यों यूज़ किया जाएगा तो बेसिकली क्रॉप असेसमेंट करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करने के लिए या इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए न्यूट्रेंट्स को स्प्रे करने के लिए किसान ड्रोन्स का यूज किया जाएगा केंद्र बेतवा प्रोजेक्ट तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए 14000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इसकी वजह से 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड्स को यहां पर इरिगेशन बेनिफिट्स मिलेंगे केन बेतवा प्रोजेक्ट के बाद अब एमएसएमई एमएसएमई के लिए क्या किया गया है उद्यम ई श्रम और आसिम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया गया है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो ईश्रम पोर्टल है वो क्या है तो ईश्रम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था ईश्रम पोर्टल तो ईश्रम पोर्टल में यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज़ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो लगभग 38 करोड़ हमारे पास अनऑर्गेनाइज़ वर्कर्स हैं जैसे कि जो यहां पर कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं माइग्रेंट वर्कफोर्स है डोमेस्टिक वर्क है, वर्कर्स हैं वो यहां पर रजिस्टर करेंगे फिर यहाँ पर इनको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और ई श्रम कार्ड यहाँ पर ट्वेल्व डिजिट यूनिक नंबर होता है अगर वर्कर ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर है तो उसको यहाँ पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा तो अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू तो एक्सीडेंट तो यहाँ पर दो लाख रुपये मिलेंगे और ऑन डेथ और यहाँ पर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर रूपीज टू पॉइंट जीरो लैक ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी और एक लाख मिलेगा अगर यहाँ पर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो यहाँ पर हमने ईश्रम पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लिया तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है और यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट ये भी है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा कि अगर यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो दो लाख रुपये मिलेंगे और यहाँ पर अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो यहाँ पर एक लाख रुपये मिलेगा फिर यहाँ पर आसिन पोर्टल है तो आसिम पोर्टल किस लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनशिप ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग लॉन्च किया गया था एम के द्वारा अब इस पोर्टल का काम का क्या है तो बेसिकली जो स्किल्ड पीपल हैं वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को तो ढूंढ सकें तो उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था आसम पोर्टल फिर यहाँ पर थर्ड है एन तो हम एन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं तो जो एन है ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये एन था तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स थ्रू इट्स नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट फॉर जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड विद इट और ये जो लॉन्च किया गया था कोर्स ये लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद टी सी एस आई ओ एन तो आई यूनिट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसके साथ यहाँ पर एन सी एस लॉन्च किया गया था नेशनल करियर सर्विस तो आसन पोर्टल हमने देख लिया एनसीएस हमने देख देखा ईश्रम हमने देख लिया तो ईश्रम किसका है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और इनको यहाँ पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा एनसीएस क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है नेशनल करियर सर्विस जिसमें स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जॉब सीकरस को फिर आसमिन पोर्टल क्या है तो आसिम पोर्टल भी हमने डिस्कस कर लिया आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग वन थर्टी लाख एम एस एम ईज प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट गारंटी अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तो हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाई दो हज़ार बाईस बाई दो हज़ार तेईस तो अप टू मार्च दो हज़ार तेईस तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है तो बेसिकली जो यहाँ पर एम एस एम ईज हैं उनको कोलेट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट देने की बात की गई थी और यहाँ पर जो कलेक्ट्रल फ्री है तो यहाँ पर कोई गारंटी भी प्रोवाइड करेगा तो गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करने वाले थे एन तो टू प्रोवाइड फुली गारंटेड एंड कलेक्ट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू एम बिजनेस एंटरप्राइजेस मुद्रा बोरोस एंड इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पजेस उनको यहाँ पर लोन दिया जाएगा और हंड्रेड परसेंट यहाँ पर जो गारंटी कवरेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी बाय द एन अब हम आगे चलते हैं रूपीज टू लाख करोड एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस टू फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस और एक यहाँ पर रैम प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा रैम प्रोग्राम किसके लिए तो एमएसएमई के लिए तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए रैम प्रोग्राम किसके लिए ईसीएल जीएस किसके लिए है और यहाँ पर उद्यम ईश्रम एनसीए आश्रम पोर्टल स्किल डेवलपमेंट तो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पोर्टल बनाया गया देश स्टैक ई पोर्टल तो डिजिटल इको फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड इसका काम क्या हुआ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिटीजन्स को स्किल करना रीस्किल करना और अपस्किल करना थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग तो देश स्टैक ई पोर्टल किससे रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है फिर यहाँ पर ड्रोन शक्ति की बात की गई है तो यहाँ पर ड्रोन शक्ति क्या है तो ड्रोन एज अ सर्विस को यूज करना है तो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ड्रोन सेक्टर में तो स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा तो वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पी ई विद्या तो वन क्लास वन टी वी चैनल प्रोग्राम ऑफ पी एम ई विद्या तो पी एम ई विद्या लॉन्च किया गया था तो बेसिकली जो टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ है कंट्री की वो स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगी ऑनलाइन एजुकेशन और ये तीस मई दो हज़ार बीस को शुरू किया गया था अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती है तो बेसिकली स्वयं प्रभा डी टी एच नाम का एक चैनल है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और गवर्नर गवर्नमेंट ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स लॉन्च करने की बात कर रही थी तो ये है वन क्लास वन टी वी चैनल प्रोग्राम ऑफ ई विद्या जिसको कि एक्सटेंड किया जाएगा टू टू हंड्रेड टी वी चैनल्स वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू बी सेट अप टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तो उसको फुलफिल करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी हेल्थ <laughs> के लिए तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया तो उसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसिस टू भी लॉन्च तो इसके लिए ट्वेंटी थ्री टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा विद नीम हंस और यहाँ पर सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा तो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंगलोर तो अ नेटवर्क ऑफ ट्वेंटी थ्री टेलीमेंट मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल भी सेटअप विद नीम हंस बींग द नोडल सेंटर और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर शक्षम आंगनवाड़ी तो विमेन और चिल्ड्रन को इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स मिले तो उसके लिए मिशन शक्ति मिशन वत्सल सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण टू टू हर घर नल से जल तो 60,000 करोड़ एलोकेटेड टू गवर 3.8 करोड़ हाउसहोल्ड्स अंडर हर घर नल से जल हाउसिंग फॉर ऑल पीएम आवास योजना में हाउसिंग फॉर ऑल्स यहाँ पर प्रमोट की जाएगी पीएम डिवाइन किसके लिए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने, करने के लिए सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है पीएम डिवाइन तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन तो न्यू स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट तो पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड है नेक्स्ट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम तो बॉर्डर के अलॉन्ग डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्ट पॉपुलेशन अब यहाँ पर जो बॉर्डर के आसपास के विलेजेस है उसमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है नहीं कनेक्टिविटी भी बहुत कम है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा बैंकिंग तो बैंकिंग के लिए यहाँ पर बात की गई कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू सेटअप सेवेंटी फाइव डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा तो हंड्रेड परसेंट ऑफ वन पॉइंट फाइव लैक पोस्ट ऑफिसज टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम और यहाँ पर जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहाँ पर सेटअप करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ई पासपोर्ट्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे तो ई पासपोर्ट्स विद एम्बेडेड चिप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बोल्ड आउट तो यहाँ पर जो थर्ड प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एन्हेंसमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन तो उसमें यहाँ पर ई पासपोर्ट अर्बन प्लानिंग की बात की गई है अर्बन प्लानिंग में बैटरी शॉपिंग पॉलिसी तो बेसिकली बैटरी चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो ई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर बैटरी शॉपिंग पॉलिसी की बात की गई है तो बैटरी शॉपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉड आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाएगा तो एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो आसानी से मैनेज हो सकें सी बेस किसके लिए है तो बेसिकली कंपनीज को वाइंड अप होने के लिए भी अगर बेसिकली कोई अपनी कंपनी खुद बंद करना चाहता तो उसे भी बंद करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है तो उसके लिए सीपेस बनाया जाएगा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट टू बी स्टैब्लिश फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक तो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि जो इस सेक्टर का पोटेंशियल उसको भी रियलाइज किया जाए तो एवीटीसी प्रमोशन टास्क फोर्स टेलीकॉम सेक्टर तो यहां पर 5G को प्रमोट करना है तो स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G एक्सपोर्ट प्रमोशन तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको रिप्लेस किया जाएगा विद न्यू लेजिस्लेशन ताकि यहां पर जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स बन सके तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा विद न्यू लेजिस्लेशन ताकि यहां पर जो स्टेट्स हैं वो भी पार्टनर बन सके इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स आत्मनिर्भरता इन डिफेंस तो 68 परसेंट जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट था वो यहां पर ईयर मार्क किया गया फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो 68 एट परसेंट यहाँ पर कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है डिफेंस का वो यहां पर ईयर मार्क किया गया फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसकी वजह से हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सके defense r&d to be opened up for industry startups and academia with 25% of defense r&d budget earmarked सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियो स्पेशल सिस्टम्स एंड ड्रोन सेमी कंडक्टर तो इनमें भी यहाँ पर बढ़ावा देना है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर क्या किया गया है तो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर यहाँ पर जो प्रोडक्टिव लेंड इंसेंटिव स्कीम है उसमें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सोलर मॉड्यूल्स को तो एडिशनल एलोकेशन ऑफ बीस नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड्रेड्रेड्रेड करोड फॉर प्रोडक्शन लिंड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैनुफेक्चर ऑफ हाई एफिशंसी सोलर मॉड्यूल्स दूसरी बात जो बायोमास पैलेट्स होते हैं उनको को फायर किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट्स में तो थर्मल पावर प्लांट्स में यहाँ पर बायोमास पैलेट्स को यूज़ किया जाएगा तो इसकी वजह से फार्मर्स के पास भी एक्स्ट्रा इनकम होगी इसके अलावा जो सी है वो भी यहाँ पर कम रिलीज होगी चार पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे कोल गैसिफिकेशन के लिए एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर द इंडस्ट्री फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाएगा तो आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप शार्पली बाई थर्टी फाइव टू रुपीज सेवन पॉइंट फाइव जीरो लाख करोड़ जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो यहाँ पर होगा फोर पॉइंट वन परसेंट ऑफ जी डी पी तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एस टेन पॉइंट सिक्स एट लाख करोड़ इन 2022-23 जो कि होगा 4.1 ऑफ जीडीपी तो पी यहाँ पर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कि कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया जो है एक्सपेंडिचर थर्टी फाइव पॉइंट से इंक्रीज हुआ है गिफ्ट आईएफएससी तो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे गिफ्ट सिटी में और एक इंटरनेशनल अर्बिट्रेशन सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो टाइमली सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का हो सके इंटरनेशनल जूरिस के अंदर तो बेसिकली इंटरनेशनल जूरिस के अंदर आसानी से यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व किया जा सके उसके लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनलेशन सेंटर बनाया जाएगा गिफ्ट सिटी में

स्टेट्स को ग्रेटर फिजिकल स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा अब स्टेट्स को ग्रेटर फिजिकल स्पेस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा तो जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर चार परसेंट का फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं तो फिजिकल डेफिसिट ऑफ़ फोर परसेंट ऑफ जी लेकिन पॉइंट फाइव परसेंट इसमें टाइड होगा टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर स्टेट हाँ पर यहाँ पर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं तभी वो वहाँ पर पॉइंट फाइव परसेंट जो है यहाँ पर उनको फिजिकल डेफिसिट अलाउ किया जाएगा इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको एक लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा लेकिन इस एक लाख करोड़ को उनको यहाँ पर यूज करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो एलोकेशन ऑफ फूबीज वन लाख करोड़ इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टूर्स द स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी तो फिफ्टी ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा ओवर एंड अबव नॉर्मल बोरिंग्स तो यहाँ पर जो फोर परसेंट है उसके ऊपर एडिशनल बोरइंग के लिए यहाँ पर एक लाख करोड़ दिया जाएगा स्टेट्स को फिस्कल मैनेजमेंट तो बजट एस्टिमेट्स हमने डिस्कस कर लिए रिवाइज एस्टिमेट्स हमने डिस्कस कर लिए जो फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर में है सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट और दो हज़ार बाईस तेईस में होगा सिक्स पॉइंट फोर परसेंट ऑफ दी डी पी अब डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या चेंजेस किए गए हैं तो अगर टैक्स पेयर से कोई गलती हो जाती है अपनी इनकम को एस्टिमेट करने के लिए तो उसको यहाँ पर दो साल का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी गलती को सही कर सकता है तो इफ द टैक्स पेयर हैज़ मेड एनी मिस्टेक्स इन करेक्टली एटीमेटिंग दरअ इनकम फॉर दैट टैक्स पेमेंट तो यहाँ पर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है विद इन टू ईयर्स तो बेसिकली यहाँ पर हेरसमेंट ना हो कि आपने गलत इनकम फाइल कर दी नोटिस ना आए तो उसके लिए यहां पर उसको दो साल का टाइम दिया जाएगा जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है कोऑपरेटिव्स के लिए उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है 18.5 परसेंट से लेकर 15 परसेंट कर दिया गया है और ये सेम रेट यहाँ पर कॉरपोरेट्स के लिए भी होता है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो कॉपरेटिव का वो यहाँ पर रिड्यूस करके पंद्रह कर दिया गया है अब ये एक और चेंज किया गया है एक चेंज ये किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14 परसेंट जो है सैलरी का कंट्रीब्यूट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स 14 परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम और ये जो इनकम होती है ये अलाउ की जाती है कि आप इसको डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम कंप्यूट करने के लिए तो दिस इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय लेकिन ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ दस परसेंट ही अलाउ होता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चौदह परसेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है तो दस परसेंट तो इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी बढ़ाकर दस परसेंट से चौदह परसेंट की जाएगी तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट कराती है चौदह परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और ये जो है ये डिडक्ट किया जा सकता है इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लिमिट है ये सिर्फ दस परसेंट ही थी, थी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए तो दोनों को एट पार्ट ट्रीट करने के लिए अब यहाँ पर चौदह परसेंट कर दिया गया है स्टार्टअप जो कि स्टैब्लिश हुए हैं बिफोर इकत्तीस तीन दो हज़ार तेईस वो एलिजिबल होंगे फॉर टैक्स इंसेंटिव फॉर थ्री कंजीक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ टेन ईयर्स तो पहले ये जो डेट थी इकतीस तीन दो हज़ार बाईस थी तो इसको एक साल और इंक्रीज कर दिया गया है जो यहाँ पर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ इनकॉर्पोरेट होंगी और वो अगर प्रोडक्शन शुरू करती हैं बिफोर 31 तीन 2024 तो उनको यहाँ पर कंसेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा सिर्फ 15% परसेंट का इसके अलावा अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको टैक्स किया जाएगा तीस परसेंट पे तो एनी इनकम फॉर्म ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन है वो माइनस कर सकते हैं ऐसी इनकम को काउंट करते समय जो वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर करने की वजह से आई है इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजेक्शन डिटेल्स की कि यहाँ पर कौन ट्रांसफर कर रहा है तो उसके लिए एक परसेंट का टीडीएस जो है डिडक्ट हो जाएगा तो इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजेक्शन डिटेल्स टी डी एस ऑफ वन परसेंट नीड्स बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कि, कि किसको यहाँ पर वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर करने की वजह से फायदा हो रहा है गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज ऑल्सो बीन प्रपोज टू बी टैक्स इन दैंड ऑफ द रेसिपेंट तो अगर आप किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट देते हो तो वो भी यहाँ पर इन देंस ऑफ रेसिपें टैक्स डॉगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं गए हैं तो कस्टम ड्यूटी को और ज्यादा रेशनाइजेशन किया जाएगा सिम्प्लीफिकेशन किया जाएगा एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जाम्शन दिए जाएंगे लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि फ्यूल की ब्लेंडिंग को और ज़्यादा इंकरेज किया जाए उसके लिए जो अनब्लेंडेड फ्यूल होगा उस पर एक डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी दो रुपये की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर दो तो टू इनकेज द एफर्ट्स फॉर ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल अनब्लेंडेड फ्यूल शैल अट्रैक्ट एन एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑफ रुपीज़ पर लीटर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर दो ऐसा इसीलिए यहां पर जो ब्लेंडेड फ्यूल है उसको और ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके तो इकोनॉमिक सर्वे हम डिस्कस करेंगे कल तो आई होप आपको सब समझ आ गया हो थैंक यू एंड अ नाइस डे